एंड कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया को कंपनी कोड के साथ किस तरह असाइन करते हैं, तो जिन व्यू ने ये फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया का ट्यूटोरियल नहीं देखा कि हाउ टू क्रिएट ए फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया इन SAP ERP, तो वो काइंडली वो वाला ट्यूटोरियल देख लें, तब आपको ये इस ट्यूटोरियल की समझ आएगी। अब हमने जो फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट एरिया हमने बनाया, अब उसको हम कंपनी कोड के साथ असाइन करते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं SAP सिस्टम के अंदर SPRO, राइट इन कमांड बार प्रेस एंटर। क्लिक ऑन SAP रेफरेंस IMG एंड गो टू इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन गो टू असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अब हम इसे असाइन करेंगे। रिव्यूअर गो टू पोजीशन, हम अपनी यहां पे अपनी कंपनी का सर्च करेंगे, हमारी कंपनी कोड क्या है उसको हम एंटर करेंगे। अपना कंपनी कोड एंटर करेंगे, जिन व्यूअर ने कंपनी कोड को क्रिएट करना नहीं लर्न किया वो काइंडली जाके कंपनी कोड को पहले देख लें, हम किस तरह क्रिएट करते हैं और कंपनी को कंपनी के साथ किस तरह असाइन करते हैं। अब हम ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट एरिया है इसको हम कंपनी कोड के साथ असाइन कर रहे हैं। हमने अपना कंपनी कोड एंटर किया, प्रेस एंटर। ये हमारी पेप्सी प्राइवेट लिमिटेड का एक हमारा कंपनी कोड आ गया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे कि हमने जो हमने फंक्शनल एरिया बनाया था उसका कोड, हमारा जो कोड था FMPE। प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखें हमारा ये कंपनी को फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया का कोड आ गया और ये उसका टैक्स आ गया। अब इसे कंट्रोल एस करके हम इसे सेव कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।